दर्द को महसूस किए झेले और अभी भी झेल रहे हैं। अब समाज में, राज्य में पार्टी पॉलिटिक्स है तो बड़ू सुनने को मिलता है कि पॉलिटिक्स हो रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, ये सब हो रहा है, लेकिन माननीय मूल्यों के नाते एक सच को आवाज़ देने के लिए, एक हकीकत को सरकार के कानून तक गुंजाने के लिए गांव गरीब हम लोग के राजनीति कहिए और भी अन्य गतिविधि के कहीं कोई दूर दूर तक विस्तार नहीं, लेकिन अभिभावक के तौर पर बड़े भाई के रूप पर जो कुछ हमको चलना कथा सिखा रहे हैं उनका सहयोग एक मार्गदर्शन के रूप में हम लोग गए और सरकार जो रोजी रोटी अपना दुख सुख के लिए गए, लेकिन वहाँ लाठी मिला, डंडा मिला और ऊपर से गंभीर धाराओं में एफआईआर भी मिला। तो हम एसपी सर से भी रिक्वेस्ट किए और करेंगे भी कि श्रीमान भूख दुख रोजी रोटी की जो बात है उसको एक उचित मंच प्रदान करके उसका निराकरण कीजिए और जो एक गांव गरीब आवाज़ को, भूख दुख को आप एक एफआईआर के माध्यम से उसको फंसाने का या उलझाने का काम कर रहे हैं, इस पर गंभीरता से उदारतापूर्ण विचार करके इसको वापस की ओर बढ़िए, वापस किया जाए और जो हक हकूक रोजी रोटी न्याय के बात है उस पर चर्चा किया जाए। बाकी देवेंद्र भैया जिस यातना को झेले, जिस दर्द को झेले, जो इतिहास में पढ़ते थे कि लाठी से मार मार कर राष्ट्रीय नेताओं को मार दिया जाता था, जेल में काला पाना की सजा दिया जाता था, जो पढ़ते थे बचपन में, आज उस साथ देखने को मिला, खुली आँखों से देखा, झेला, समझा, अब समझ में आया कि सरकार कोई भी हो लेकिन ये मतलब नहीं है कि उस जनहित के लिए ही होगा, वो अपना स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए, जान माल मरवाना हो, दिलाना हो, कुछ भी कर सकता है। या हम लोग जो इतिहास में पढ़ते थे वो देखने को मिला और भविष्य में लगता है कि आने वाले पीढ़ी बच्चे हैं उनको किस तरह के सरकार मिलेगा, अगर आज के युवा कुछ सोचते हैं तो भविष्य में उदारतापूर्ण समाजवाद सरकार या एक फ्लेक्सिबल सरकार मिलेगी, अन्यथा जिस तरह से सिस्टम चल रहा है आज आवाज़ को दबाने के लिए क्रूरता बर्बरतापूर्ण लाठी मारकर एक तरह से मर्डर जैसा महसूस हो रहा था, तो ऐसा धारणा को तोड़ना होगा और समाज को, युवाओं को एक उचित रास्ता से इसका निराकरण की ओर, सभी का बीमारी होगा कि कितना हम इसमें योगदान दे सके, क्या इसमें हम कर सकते हैं, इस पर चिंतन मंथन कर सकते। आप कह रहे हैं कि काला पानी जैसे साजाओ हम लोग इतिहास में पढ़े थे लेकिन आज वो देखने को मिला है। आज मानसून सत्र कई दिनों से चल रहा था, समाप्त हो गया, लेकिन आप लोगों की जो मांग थी उस पर मोहर नहीं लग पाई है। आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर डटे रहिएगा या आगे कुछ और प्लान है? देखिए पक्ष विपक्ष पार्टी पॉलिटिक्स एक विषय अलग है, 500 साल चला फिर चलेंगे, अगले साल भी चलेंगे, फिर चलेंगे, लेकिन गांव गरीब का जो आवाज़ है, जो न्यायिक मांग है, हम लोग तो नहीं कर रहे हैं कि हमको यूपीएससी क्वालिफाई करवा दीजिए, हमको जेपीएससी क्वालिफाई करेंगे, हम कह रहे हैं कि 7 वर्षों से विभाग को दिए हैं, जो स्किलिंग है, जो अनुभव है, अब इसको हम छोड़ कर कहाँ है, पुलिसिंग सिस्टम का उपयोग कहाँ होगा, पुलिस के अलावा कहीं नहीं हो सकता, यदि होगा तो असामाजिक तत्व में होगा तो समाज के उन एलिमेंट्स में होगा जो नहीं होना चाहिए। तो कल तक हम समाज को सिखाते थे कि सच्चा राह पर चलिए, सत्य हिंसा मत कीजिए, आज हम ही हिंसा की ओर उनको प्रोत्साहन जाए, खुद हम चले जाएंगे। मतलब आप कुछ दिन पहले आप लोग कह रहे थे कि फिर से हम लोगों को बिहार में जाने के लिए मजबूरन मतलब ये कदम उठाना पड़ सकता है। बिहार में जाने की इस उसका थॉट था कि हम 7 वर्ष समय दिए अपना मात्र एक जीविका के लिए, कि 7 वर्ष में अगर आप 500 भी बढ़ाते हैं तो 3000 रुपये बढ़ेंगे, 1000 भी बढ़ाते हैं तो 7000 बढ़ेंगे, तो जीविका के लिए यदि काले पानी की सजा मिला है, यदि हम अपना हक और अधिकार और एक उनको बहुत बड़ा डिमांड कर दी तो लगता है कि जलियांवाला बाग बनवा देंगे मोरहाबादी मैदान में। तो सरकार को हम समझते हैं कि गाँव गरीब के मर्म को समझिए और लाठी से नहीं बल्कि टेबल टॉक से इसका निराकरण कीजिए और अनावश्यक जो धाराएं लगा रहे हैं एक उलझाने का या डराने का, इससे गहरा से मंथन कीजिए और गांव गरीब की आवाज़ को आप मंच दीजिए। लेकिन आप जवाब नहीं दिए, क्या कीजिएगा इसके बाद? आप लोगों इसके बाद जवाब यही है कि आंदोलन धरना जारी है, बात को हम लोग रख रहे हैं, बीच बीच में 22 जुलाई 2024 को वार्ता भी हुई, उस वार्ता में कुछ सहमति भी बनी, सहमति में हम लोग जो एक मांग अनुरूप एक
मांग के अनुकूल सहमति नहीं बना, पुलिस आए पुलिस कर्मियों में असंतोष की भावना थी, तो उस संदर्भ में हम लोग ने बोला कि 2020-21 में सहमति इसी तरह से बनी थी और 3 से 4 साल हो गए एक बिंदु पर काम नहीं हुआ। तो हम लोग का कहना है कि जो मांग रहे हैं वो तो आप एक तरह से इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन जो आप देने की स्थिति में है उस सहायक पुलिस कर्मियों को दें, कैबिनेट से मंजूरी दें, उसके बाद जिला आदेश हो, सहायक पुलिस कर्मियों जीवन में उसका फलाफल कैसे मिले इसका कंक्रीट जवाब हो, उसके बाद आंदोलन समाप्त होगा, अन्यथा हम लोग बातचीत के दौर को अभी देख रहे हैं, शांति से प्रतीक्षारत है। अगर उसमें आने वाले कैबिनेट में इसका फलाफल हकीकत रूप में नहीं बदलता है उसके बाद पुनः हम लोग इनकलाब को और जोरदार बनाएंगे, तब तक हम लोग मोराबादी में धरना शांतिपूर्ण देते हैं। चलिए देवेंद्र जी भी हैं, आप चोट खाए, काफ़ी जख्मी मिला आपको, आप दिल्ली चले गए थे, आज इन लोगों से फिर से मिलने आए हैं, आगे आइएगा फिर से इन लोगों के साथ अगर आंदोलन फिर से किया जाएगा तो। जी बिल्कुल, हम तो पहले ही घोषणा कर दिए, अभी तो सहायक पुलिस कर्मी का जो लड़ाई है, क्योंकि यह सिर्फ सहायक पुलिस कर्मी की लड़ाई नहीं रहा, यह एक जो हो रही है अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, जो हो रही शोषण के खिलाफ लड़ाई है, और इसको सभी झारखंड में मिल के लड़ेंगे, और हम इन लोग के हक की लड़ाई को लेकर के अपने वदन पर अपना लाठी लिया कि राज्य के सबसे बड़े संस्थान रिम्स पर 6 दिनों तक एडमिट रहे, दिल्ली तक बेहतर इलाज के लिए गए, और आज ही हम लौट करके सबसे पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम सहायक पुलिसकर्मी के बीच आए हैं। मतलब स्पष्ट है कि इस मिट्टी में भी मिलना पड़ेगा तो सहायक पुलिसकर्मी जैसे किसी के साथ भी अगर होगी अन्याय, अगर होगा शोषण, अगर होगा अत्याचार, तो हम अपना तेवर, अपना जो राह है, अपना जो पथ है आंदोलन का, उस पर हम चलेंगे, और इसमें अगर मिटना भी पड़ेगा इस माटी में तो मिटेंगे, क्योंकि उसके आगे तो यही बचा, क्योंकि हमको इतना मारा गया, पीटा गया कि यह रिपोर्ट भी छिपाया गया यहाँ की सरकार के द्वारा, और जब दिल्ली गए तो रिपोर्ट से पुष्टि हुआ कि मेरा ब्लड क्लॉटिंग हुआ था, तो ये लोग तो हमको हत्या करना चाहते हैं, तो इसके आगे अब हम एक ही कदम बढ़ता है कि स्मार्टिंग मिलना पड़े, हम तैयार हैं, लेकिन इस राज्य के लिए जो पुलिसकर्मी, जो खटियानी हैं, झारखंडी हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं, जो मूल रूप से खुटी है, धुमला है, सिंहभूम है, पलामू है, सिमडेगा है, लातेहार है, गढ़वा है, चतरा है, सब मूल झारखंडी, अगर ये लोग को अगर उचित मांग नहीं माना जाएगा तो ये लोग फिर गलत राह पे चल जाएंगे, फिर ये लोग गलत राह पे चल जाएंगे तो समाज पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए सरकार इतना अंधी बाहरी नहीं होना चाहिए कि झारखंडियों की सरकार करने वाले झारखंडियों की बात नहीं माने, अगर ये सरकार अभी भी नहीं मानती है तो निश्चित ही अब हर हाल में सरकार को बदलना पड़ेगा, और इसको लेकर के हम लोग कमर कस चुके हैं, और अब चूँकि 5 साल की सरकार का अंतिम सत्र भी बीत चुका और यहाँ की सरकार एक भी मांग नहीं पूरा किया, सहायक पुलिसकर्मी जैसे पारा शिक्षक का मामला है, पारा मेडिकल का मामला है, जल सहिया का मामला है, आंगनबाड़ी का मामला है, ऐसे तमाम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने वाले, चाहे तो डेटा एंट्री करने वाले हमारे कर्मचारी लोग हैं, सबको वादा किया था कि हम सारे अनुबंध कर्मियों का निदान करेंगे, उनका कार्य का विस्तार करेंगे, उनका जो है कि एक उचित मानदेय देंगे, वो तो अस्थायीकरण का भी बात किए थे, लेकिन एक उनको सम्मान भी नहीं दे पाया, एक नीति कानून नहीं बना पाया।